हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आज एक बहुत बहुत बड़ा दिन है। आज आपको देख के लग रहा होगा कि आज मैं भगवान के सामने बैठी हूँ। तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज है श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो ये जी भी ओडिया मोर ये किंबा ओडिशा रु जी भी अच्छा किंबा ओडिया जी भी वीडियो देखिबे से मानकु मोर रथयात्रार बहुत बहुत शुभेच्छा। आ भगवान करंतु आपण माने बहुत सुस्थ रे रहंतु, काहेकि ना एबे जो टाइम चलछि ए टाइम रे बहुत सुस्थ रहबाटा बहुत जरूरी। तो भगवान करंतु नेक्स्ट वर्ष जेमती आमे बहुत भल भाबरे भगवान को दर्शन पाऊ किंबा जी भी रथ यात्रा रे जीवा पई चाहंती सेठीकी, तो से माने जेमती खुशी रे बिना टेंशन रे बिना डर रे जेमती जाई परंतु एमती सिचुएशन आसी जाऊ भगवान करंतु। तो मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़िया हूँ। तो जो उड़ीसा से हैं, जो लोग उड़िया हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उड़ीसा पूरी जगन्नाथ टेंपल के लिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो जो भी कोई पूरी गए हैं या पूरी से कोई भी फैमिली मेम्बर गए होंगे तो वो लोग पक्का एक लाते होंगे प्रसाद, जो कि जिसको बोलते हैं खोजा, या इसको उड़िया में फेणी भी, हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं वो बनाऊंगी घर पे। तो वो कैसे बनता है, तो आज रथ यात्रा है तो इसीलिए मैं सोची आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो इसीलिए मैं जगन्नाथ जी के लिए वही प्रसाद बना रही हूँ, उनका जो प्रसाद मिलता है खोजा। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि वो कैसे बनता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए और फिर बोलिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और उस पर मैं दे दूँगी 2 कप मैदा। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप में 2 कप दी है, लेकिन आप किसी भी कप में दे सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन रेशियो ऐसा ही रखिएगा जैसे मैं रख रही हूँ। और मैं इसमें दे रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, आप दे नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देने से उसका जो स्वीटनेस है मिठाई का वो बरकरार रहता है, तो देंगे तो ज़्यादा बेटर है। और फिर मैं इसमें डालूँगी 4 बड़े टेबलस्पून घी। इसका ऐसा रहेगा कि 1 कप अगर आप ले रहे हैं मैदा तो उसमें 2 टेबलस्पून आपको घी लगेगा, उसका वो मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हल्के हाथ से बहुत अच्छे से मिला लेना है, घी सॉल्ट और वो मैदा ये सबको। ऐसे ही मिलाइएगा ताकि जैसे एक भी लम्स ना रहे, क्योंकि घी में लग के मैदा थोड़ा लम्स हो जाता है, तो जैसे वो बहुत अच्छे से खुल जाएगा पूरा आपस में। अब देखिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें घी जो दिया गया है ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छे से ये हो गया है घी का, मतलब ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है, लेकिन ये पूरी जैसे होता है ना वैसा उतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा, या चपाती बनाने जैसा उतना भी पतला नहीं होगा। तो ये थोड़ा मीडियम सॉफ्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा ये। अब ये देखिए ये रेडी है, ये देखिए सॉफ्ट बना है, घी का बहुत अच्छा खुशबू है इसमें और इसीलिए वो ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो ऐसा ही उसको सख्त नहीं बनाना है।
अब हम उसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब वो 5 मिनट 10 मिनट भी रख सकते हैं, या जब तक आपका आगे का प्रोसेस रेडी नहीं होता है तब तक तो ये रेस्ट हो जाएगा। अब पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कप में 2 कप चीनी लिया है, और जिस कप में हम चीनी लेंगे उसी कप में ही हम 1 कप पानी लेंगे। अब ये चीनी खाली मेल्ट होने तक इसको हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और ये जैसे ही घुल जाएगा शुगर जो पानी में एकदम मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको उबालेंगे, और वो भी लो फ्लेम में ही उबालेंगे, और एक तार आने तक ही उबालेंगे। तार मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, हल्का एकदम जैसे दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा 5 मिनट मेल्ट होने के बाद शुगर 5 मिनट ही खाली उबालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 इलायची को ऐसे सीड्स निकाल के उसको डाल दिया है फ्लेवर के लिए, तो ये अच्छा लगता है, उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। अब देखिए शुगर मेरा मेल्ट होने को आया है। अब बस उसमें थोड़ा और थोड़ा देर ही खाली उसको बॉईल करके फिर मैं उसको उतार लूँगी। अभी हो गया है, इसको बस उसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटोरी ली है, और पहले मैं उसमें दो दो टेबलस्पून मैंने मैदा ली हूँ। फिर उसमें देना है 3 टेबलस्पून घी। अब इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है, और घी थोड़ा मेरा टाइट है, मतलब थोड़ा थीक ज़्यादा है, इसीलिए उसको आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। डालने के बाद मुझे ये हुआ कि वो थोड़ा सा अगर मेल्ट कर लेती तो वो ज़्यादा अच्छे से वो मिल जाता, लेकिन ये जो नाप है घी और मैदा का ये पूरा परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे जो रेस्ट किया हुआ मैदा था उसको देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट है। अब मैं उसका लोइया बना ली हूँ, और अब मैं उसको बहुत पतला करके उसको बेलना है। तो पहले मैंने 5 लोइया को बेली, तो देखिए ये कितना पतला करके बेलना पड़ता है। बीच बीच में थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर देना है ऊपर, तो वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए कितना अच्छा एकदम बहुत पतला मैंने बेला है उसको। जितना पतला बेलिएगा वो बहुत अच्छा उसका लेयर जो है आएगा, और बहुत अच्छे से वो तलने से वो बहुत अच्छे से तल जाएगा वो। तो ऐसे ही मैंने बेल लिया है पतला पतला करके। अब देखिए ये जो है मैंने 1 लिया है, और उसके ऊपर वो जो मैंने पेस्ट बनाया था मैदा और घी का उसको उसमें डाल के बहुत अच्छे से एकदम चारों ओर लगा लेना है। वही ये घी थोड़ा पतला होता तो ये बहुत अच्छे से लग जाता, थोड़ा सा थीक है तो इसीलिए वो थोड़ा मुझे उंगली से ऐसे लगाना पड़ रहा है फिंगर से, तो लेकिन ये चारों ओर बहुत अच्छे से लगा लेना है। अब ये जैसे ही हो गया मैं और एक लेयर उसमें दूंगी। ये और एक जो मैंने बेल के रखी थी उसको मैंने दे दिया,
बस अब और फिर उसके ऊपर फिर वही लगा लेना है जो पेस्ट, और ऐसे ही करके हमें 5 लेयर लगाना है। लेकिन बहुत अच्छे से वो जो पेस्ट है इसको बहुत अच्छे से लगाना है। ये जितना अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छे से वो लेयर बनेगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा। तो वो अगर नहीं अच्छे से लगेगा तो ये आपस में चिपक जाएगा, तो वो लेयर खुलेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए इसको लगाना बहुत अच्छे से वो ज़रूरी है। अब ये जो लास्ट वाला लेयर है उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल करके उसको ऐसे रोल करना है। ये देखिए, थोड़ा टाइट टाइट करके उसको रोल कीजिएगा। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये खुलने का थोड़ा डर है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है और पानी लगा के उसको चिपका लेना है, तो वो और नहीं खुलेगा। अब हम इसको काट लेंगे, मतलब इसका लोया बनाएंगे। तो जो एंड पार्ट है दोनों दोनों साइड का जो एड्ज है उसको बहुत सावधानी से एकदम इक्वल करना है, इसीलिए दोनों पार्ट को हम लोग काट लेंगे। अब देखिए पूरा एकदम समान हो गया है एकदम। तो अब उसमें थोड़ा सा मैंने मैदा स्प्रिंकल करके, ताकि वो चिपके नहीं जब हम लोग उसको काटेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके मैंने उसको रोल कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका लेयर बना है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा उसका लेयर एकदम दिख रहा है, एकदम लेयर बहुत सुंदर हुआ है लेयर। अब हम इसको बेलेंगे, मतलब उसको अभी जो खजा है हमारा उसका शेप देंगे उसको। तो पहले मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर ली, अब उसको बेलना है। तो ये बेलने का तरीका जो है वो बहुत सावधानी से बेलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से बेलेंगे तो फिर वो लेयर नहीं बनेगा, वो चिपक जाएगा आपस में। तो इसलिए एकदम हल्का हाथ से उसको बेलना है। बीच वाला पार्ट को एकदम हल्का, देखिए मैं कितना हल्के से ले रही हूँ, और ये दोनों पार्ट को थोड़ा सा दबाना है, लेकिन मिडिल वाला पार्ट को बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये उसका लेयर जो है थोड़ा बाहर की तरफ निकल आया है। अब जैसे ही उसको तेल में डालेंगे, गरम तेल में तेलने के लिए, तो ये पूरा अच्छे से फूल के खुल जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा से उसका लेयर बन चुका है। अब ऐसे ही हम सब जो बनाए हैं लोया उसको सबको ऐसे ही बेल लेंगे। Thank you.
अब यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब हम एक एक करके उसमें डालेंगे। लेकिन ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना है, मतलब थोड़ा सा जैसे कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आप जल जाएगा लेकिन अंदर का जो लेयर है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए उसको ऐसे गर्म करना है, मतलब मीडियम फ्लेम में रख के उसको धीरे धीरे करके तलना है, ताकि वो अंदर का जो लेयर है वो भी सब बहुत अच्छे से पके और साथ में ऊपर वाला भी ब्राउन रहे और जल ना जाए। तो आप एक बार जैसे ही डालेंगे वो देखिएगा, वो ऊपर का जो पार्ट है वो भी धीरे धीरे फूलने लग रहा है, तो इसका मतलब उसको फिर उसको फ्लिप कर दीजिएगा, उसको पलटा दीजिएगा, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो धीमी आंच में वो पकता रहेगा, तो वो अंदर का जो पार्ट है ना वो भी बहुत अच्छा से पक जाएगा, इक्वली पकेगा, जैसे ऊपर वाला कलर हो जाएगा अंदर वाला भी वैसा ही एकदम बहुत अच्छे से तल जाएगा वो। ये देखिए उसका कलर अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डीप फ्राई कीजिएगा तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। आप देखिए ये पूरा बन के तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है, और ये बन के तैयार है। अब हम लोग उसको निकाल लेंगे, निकाल के उसको अभी चाशनी में डालेंगे। अब यहाँ पे चाशनी पूरा ठंडा हो चुका है, अब हम उसमें एक एक करके डालेंगे। अब उसको डाल के बाद उसको चारों ओर से लपेट लेना है और उसको फिर निकाल लेना है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा स्वीट पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद है, तो उसको कुछ देर के लिए उसमें छोड़ के रखिएगा, मतलब 1 से 2 मिनट तक छोड़ के रखिएगा, फिर उसके बाद उसको निकाल लीजिएगा। ऐसे आप तुरंत डाल के भी अगर उसको बस चारों ओर से लगा के भी निकाल लेंगे तो भी उसका स्वीटनेस वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा देर अगर आप रखेंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे मीठा खाते हैं वैसा ही कीजिएगा। तो आपको ये मेरा स्वीट वाला स्वाद है वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका बहुत अच्छा ये बना है, बहुत ही अच्छा बना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़रूर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।